मुंगेर में धरहरा गांव के श्याम कुमार सिंह का 35 वर्षीय पुत्र रविंद्र कुमार ने देर रात सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में धरहरा पीएससी में इलाज के लिए लाया। यहां उसकी नाजुक स्थिति को देख चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल में उसका इलाज किया गया, लेकिन उसकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए चिकित्सक द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों द्वारा उसे सदर अस्पताल में ही रखा गया, जिसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मृतक रविंद्र के शव को कोतवाली पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। इधर रविंद्र की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में मृतक के पत्नी प्रियंका कुमारी ने बताया कि रविंद्र एक फाइनेंस कंपनी से बिजनेस का लोन लिया था। इसे नहीं चुकाने पर कंपनी के द्वारा उसके ट्रैक्टर को जब्त करने की बातें कही जा रही थी। लोन 10 से 15 किस्त अभी चुकाने के लिए बचा हुआ ही था, जो कि कंपनी के द्वारा पिछले 4-5 दिनों से लोन जमा करने के लिए रविंद्र पर फाइनेंस कंपनी की तरफ से लगातार प्रेशर दिया जा रहा था कि जल्द लॉन्च हुआ है नहीं तो ट्रैक्टर खींच के लाया जाएगा। इसी बात को लेकर उसका पति डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या सल्फास खाकर कर लिया। मृतक रविंद्र 2 भाई 1 बहन में 2 नंबर पर था। मृतक अपने पिछले पत्नी प्रियंका कुमारी, मां उषा देवी सहित 2 पुत्र को छोड़ गए। परिजनों ने बताया कि मृतक रविंदर ही घर का एकमात्र कमाव सदस्य था। उसके निधन के बाद अब परिवार वालों पर पहाड़ का बोझ टूट पड़ा है। गाड़ी के किस्त गाड़ी वाला आया था काम करने के लिए, वही गाड़ी वाला बोला कि पैसा दीजिए, पैसा नहीं दे पा रहा उसी के लिए लड़ाई झगड़ा घर में कुछ भी नहीं है। कहियो लड़ा नहीं जानता था हमारे बेटा कितना कतः लड़ा, हमें पति का भी मारता था कुछ खातिर न इतने वो बात है। कितना दिन का बंदर था तो वही गाड़ी वाला ऐसा किस्ती मांगने के लिए तो पर नहीं था, नहीं था। घर बना लिया था। अच्छा बार गाड़ी लिए तो किस्त चुका दिए दोबारा हम लिए तो क्या नाम आपका? उषा देवी। कौन है ये? पत्नी या पिता हुआ। गाड़ी का किस्ती मांगे कितना किस्त लगा? 5 ही महीना 10,200 देना पड़ता है। अच्छा गाड़ी के लिए तो कुछ है गाड़ी से बहुत प्यार था ट्रैक्टर से, इंजन बोला खींच लेंगे, ये सोचे कि काहे खींचेगा हमको इंजन रहेगा। अब इंजन चलाने वाला ही चल गया, अब इंजन रखे क्या करेगा।